प्रदेश, राजस्थान में दिल्ली के इनामी बदमाश, हरिया गैंग और पुलिस के बीच बीती रात हुई मुठभेड़ में पुलिस ने एक बदमाश को ढेर कर दिया, जबकि मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश और गैंग का सरगना हरिया और उसके दो साथी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने मौके से एक सफेद रंग की ब्रेजा कार व भारी संख्या में हथियार और गोलियां बरामद की हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में पुलिस के द्वारा कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घटना थाना तिंगांव क्षेत्र के गांव अरुआ की है। मृतक की डेड बॉडी को पुलिस ने सिविल अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। एनकाउंटर में ढेर हुए बदमाश की पहचान फरीदाबाद के गाँव भैंसरावाली के रहने वाले अरुण के रूप में हुई है। मैं पवन और फरिया ये रहने वाला है भैंसरावली गांव का, और ये फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली, यूपी और राजस्थान, मतलब 4-5 जगह वांटेड है डकैती और मर्डर के केसेस में। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी रात को कि ये 12:30-12:15 के बीच में ये वैबलपुर गांव के आसपास देखा गया है। इस पे क्राइम टीम सारी एक्टिवेट हुई, तो हमारे क्राइम इंस्पेक्टर जो सेक्टर 65 से वरुण दहिया, जो साथ में तिगांव थाने के SHO का काम भी देखते हैं, तो ये वहाँ मौके पे पहुँचे। बाकी टीम्स दूर थी, तो जब अचानक पीछे से गोली चलने की आवाज़ आई तो इन्होंने गाड़ी रोक के जब पीछे देखा तो वो ब्रेजा कार में वो थे, और इन्होंने जैसे ही पुलिस नज़दीक गई तो फिर उस पर फायर हुआ और फिर वो भाग लिए वहाँ से। और ये पीछा करते हुए अरुआ गाँव के पास जब ये पहुँचे हैं तो वहाँ पर ये गाड़ी छोड़ के भाग गए। एक इंजर्ड लड़का, जिसका बाद में ये पता चला कि वो अरुण है। तो ये कुल मिला के 20-25 मिनट चेजिंग हुई है, इधर उधर 15-20 मिनट तक ये भागते रहे हैं। तो पनेड़ा खुर्द के पंप के पास से शुरू हुआ है सारा काम वैबलपुर से, और फिर ये अरुआ के पास बाद में फिर उस इंजर्ड को लेके गए हॉस्पिटल, परंतु वो बच नहीं पाया। भारी मात्रा में कारतूस मिले हैं और दो वेपन, एक डोगा और एक और वेपन मिला है।